Welcome, Frazam. Welcome, dear speakers. Now I wish to invite Arisha Shahzad for the deliver speech. So please, Arisha Shahzad, come on the stage. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Jinab sadr, mehta tata kram mere maktab sathiyo. Assalamu alaikum. आज मुझे जिस मौके पर आपको शेयर करने का मौका मिला है उसका नाम है बेटी। दोस्तों याद रखना, बेटी रब की रहमत होती है और रहमत का कोई हिसाब नहीं होता। बुनियादी सी बात है, जब बेटा पैदा होता है तो दुनिया वाले कहते हैं बाप की विरासत का वर्ष पैदा हो गया, और जब बेटी पैदा होती है तो लोगों के मुँह पे 12 बजे लगते हैं। आगे चलकर क्या होता है, बेटा मान सकता है, बेटा विरासत मांगता है, लेकिन जब दुख दर्द की बात आती है तो बेटी याद आती है, जब हिम्मत की बात आती है तो बेटी याद आती है। अल्लाह ताला तुम्हारे पाक में फरमाता है, जब बेटा पैदा होता है तो मैं उसे कहता हूँ जा तू अपने बाप की बाजू बन जा, और जब बेटी पैदा होती है तो मैं उसे कहता हूँ मुझे अपने खुदा होने की कसम, मैं खुद तेरे बाप का बाजू हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला गुलाम होते थे, राजा-ए-आज़ की बातें होती थी। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ मेरे परवरदिगार, जब तू अपने बंदे से खुश होता है उसे क्या अता करता है। दो जाकर आपने फरमाया, ऐ मूसा, जब मैं अपने बंदे से खुश होता हूँ तो उसे एक बेटी अता करता हूँ। दूसरी बार भी यही सवाल हुआ तो रब ने फरमाया, ऐ मूसा, जब मैं अपने बंदे से खुश होता हूँ तो उसे एक बेटी अता करता हूँ। तीसरी बार भी यही सवाल हुआ तो दो जाकर रब ने फरमाया, ऐ मूसा, जब मैं अपने बंदे से इतना खुश होता हूँ कि मेरी खुशी की तुम्हारी नहीं रहती तो मैं उसे 3-3 बेटे अता कर देता हूँ। हदीस में बोली है कि जिस इंसान की 2 या 3 बेटे होंगी वो और मैं इस तरह जन्नत में इस तरह साथ होंगे जैसे 2 उंगलियां। अब मैं इस शहर से इजाजत चाहती हूँ। ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है, ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है, जन्नत का दरवाजा तुम्हारे कदमों से खुलता है। बस।